राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने ये वीडियो ट्वीट किया और अशोक गहलोत पर तंज कसा। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर। भाजपा राजस्थान के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी इसी वीडियो क्लिप का थोड़ा लंबा वर्जन राजस्थान के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। देखिए बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी अभी जो है जो अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कहा बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर पूरे। भाजपा आंध्र प्रदेश के महामंत्री विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी ये क्लिप ट्वीट किया। इन सब नेताओं ने ये दिखाने की कोशिश की कि अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में जनता के त्रस्त होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की छानबीन की तो पाया कि ये वीडियो भ्रामक रूप से शेयर किया जा रहा है। वीडियो के आखिर में अशोक गहलोत पूरी बात किसी और संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन इसे बीच से काट कर शेयर किया जा रहा है, जिस वजह से अशोक गहलोत आगे क्या बोल रहे हैं ये पता नहीं चल रहा। अशोक गहलोत ने ये पूरा वीडियो ट्वीट भी किया था। इस वीडियो को आप अगर खुद पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाजपा नेताओं द्वारा शेयर किया गया छोटा वीडियो क्लिप्ड है। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर। तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। हमारा ध्येय यही है, हमने इतनी स्कीमें दी राजस्थान के अंदर, इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश लोहा मान रहा है जो स्कीम हमने दी राजस्थान के अंदर, पूरा देश लोहा मान रहा है। और कोरोना का प्रबंधन का लोहा तो क्या दुनिया मान रही है, खाली ही नहीं मान रहे हैं, दुनिया के मुल्क मान रहे हैं कि राजस्थान शानदार प्रबंधन में लोगों को बचा लिया। जबकि गुजरात में अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे, बम्बई में, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे, तो शानदार हमने काम किया। तो ये तमाम जो गुड गवर्नेंस हमने दी है उसको लेके हम तो निकल पड़े हैं, अगली सरकार रिपीट कैसे हो वापस इस बार, और कोई हमारा ध्येय नहीं है। अगली सरकार रिपीट हो, अगली सरकार आएगी तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अभी जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया है जिसके कारण ही हम दे पा रहे हैं, सामाजिक सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। यानी अशोक गहलोत का क्लिप वीडियो कई भाजपा नेताओं ने उन पर ताना मारते हुए शेयर किया। अशोक गहलोत सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की बात कर रहे थे।